फ्रेंड्स, क्या आपको कुकीज़ पसंद है? मुझे तो बहुत ही पसंद है, और उससे भी ज़्यादा मुझे बनाने में अच्छा लगता है। तो आज मैं मार्केट से भी बहुत ही अच्छा कुकीज़ घर पे बनाने वाली हूँ, और बहुत ही कम मीठे में ये कुकीज़ बनेगा जो सभी को बहुत ही पसंद आएगा। और इस कुकीज़ का नाम है रसमलाई कुकीज़, जिसे मैं बनाने वाली हूँ रसमलाई इसेंस से और एस्ट्रोनट के पीनट बटर से। तो काफ़ी टेस्टी बनेगा। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने हाफ कप पाउडर चीनी ले लिया है, शुगर, और 1 टेबल स्पून ही हमने बटर डाल दिया है, और इसको क्रीमी होने तक हमें बीट कर लेना है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा कप मैदा, और 1/4 कप बेसन डालूंगी, और 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाला है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल करके 2 टेबल स्पून ही हमने केसर का मिल्क डाल दिया है, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसको बनाने वाली हूँ एस्ट्रोनेट के मैंगो चिया सीड पीनट बटर से, जिसको मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है, और साथ में रसमलाई इसेंस की 5-6 बूंदें डाल देते हैं, और सभी को मिला करके एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। और बस इसको आप कुकीज़ का अपने मनपसंद का आकार दे सकते हैं। तो मैं बिल्कुल मार्केट की जैसा ही बनाने वाली हूँ, तो इस तरीके से सर्कल बना लूँगी और इसको फ्लैट कर लेती हूँ, और बस हमें इसे बेकिंग पेपर पे सीरियल वाइज इस तरीके से रख देना है। और मैं इसे बेक करने वाली हूँ 180 डिग्री पर 15 से 16 मिनट के लिए। और ये कुकीज़ बेक होकर आ चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। मार्केट से भी अच्छा ये बना है, और बहुत ही सॉफ्ट बना है अंदर से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम मीठा बना है जो सभी को बहुत ही पसंद आएगा, और इसको आप फेस्टिवल पे भी बना करके गिफ्ट तौर पे भी आप इसको गिफ्ट दे सकते हैं किसी को। तो इस तरीके की कुकीज़ आप मार्केट से भी अच्छा घर पे बना सकते हैं। अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।